नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सोचिए जरा क्या होगा कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग अलग पुलिस ना हो करके पूरे देश का एक पुलिस बनाया जाए जिसे कि इंडियन पुलिस कहा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ जो है भारत में होने वाला है या आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है। दोस्तों बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ वन नेशन वन पुलिस। दोस्तों यह विषय बहुत चर्चा का विषय जो है बना हुआ है क्योंकि बीते कुछ दिनों में इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है और अभी एक बीजेपी के नेता है पश्चिम बंगाल में जिनका नाम है सुवेंदु अधिकारी। इनका एक बयान आया है वन नेशन वन पुलिस को लेकर। इन्होंने कहा है कि सोचिए जुलाई में जो है इन्होंने ऐसा जताया है कि जुलाई में इनका जो बयान आया उस बयान के मुताबिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जुलाई में वन नेशन वन पुलिस जो है इस बिल को पास किया जाएगा और पास होने के बाद इसको जो है लागू भी किया जाएगा। अब दोस्तों जब से ये न्यूज जो है जैसा कि आप पेपर कटिंग भी देख पा रहे हैं इसमें भी लिखा हुआ है इस विषय के बारे में। लेकिन दोस्तों इस ये जो वन नेशन और वन पुलिस है अगर ये लागू हो गया तो कैसे जो है भर्तियां होंगी, कैसे वैकेंसीज निकलेंगे, पुलिस की जो भर्तियां होंगी वो कैसे होंगे, सारा कुछ मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं और सारी आशंकाएं भी आपके सामने व्यक्त करूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे जो है आगे आने वाले समय में प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज तो आप ये समझ लो कि हमारी जो वैकेंसी आ रही है 35,757 इसका इससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों कोई भी बिल अगर पास होता है और खासतौर से जब कानून बनते हैं तो उस कानून को लागू होने में कुछ वर्षों का समय लगता है और अगर वन नेशन वन पुलिस अगर ये लागू होता है तो इसको लागू करने में कई वर्षों का समय चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे में 35,757 की जो वैकेंसी हमारी आ रही है इसका संबंध इससे किसी भी प्रकार का नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लें। अब दोस्तों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP है ना, नई शिक्षा नीति। दोस्तों ये भी जो है कि 2019 से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है, 2018-19 से ही, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका है, धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर यह वन नेशन वन पुलिस ये अगर बिल पास होता है तो इसको लागू करने में कुछ समय का वक्त चाहिए सरकार के पास, एक ही बार में कोई चीजें जो है लागू नहीं होती है। हां कुछ प्रश्न है जो कि इससे संबंधित है, उन प्रश्नों पे जरा चर्चा हम कर लेते हैं कि अगर ये बिल अगर पास हो जाता है तो किस किस जो है कि मुद्दे पर बात किया जा सकता है, जैसे कि भर्ती कैसे निकलेगी। मैं कह रहा हूं कि भर्ती कैसे निकलेगी, जो स्टेट वाइज जो पुलिस की जो वैकेंसीज निकलती हैं, फिर उसे गवर्नमेंट किस प्रकार से निकालेगा, ये सब अभी कुछ तय नहीं हो सका है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसा कि आप नाम सुनते होंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF जो है, CRPF आप सभी जानते हैं कि ये केंद्रीय बल है और कहीं ना कहीं जिस भी राज्य में पुलिस की फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जहां देखते भी होंगे कि जो CRPF के जो जवान होते हैं इनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में भी लगाई जाती है, तमाम तरह की जो ड्यूटियां हैं उनमें लगाई जाती हैं और पूरे भारत में सभी राज्यों में इनकी ड्यूटियां लगती हैं, तो केंद्र सरकार के पास तो ऑलरेडी CRPF है, CRPF के जवान उनके पास ऑलरेडी है, तो फिर इंडियन पुलिस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये सवाल उठता है। अब दोस्तों हां एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हस्तक्षेप है ये कम होगा, इससे आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य के पास जब पुलिस का पावर ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त इसमें यह भी है कि ऐसे राज्य जहां पे केंद्र सरकार की जो राजनीतिक पार्टी है उनके अगर सरकार है ऐसे राज्यों में, तो वहां पे
बिल्कुल कम नहीं होगा राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कि आप यूपी को कह सकते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आप और नोट कर लें दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस है ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत यह आता है, ना कि केंद्र सूची के। तो अगर इसमें अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले तो इसे केंद्र सूची के अंतर्गत इसको शामिल करना पड़ेगा, ना कि समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल करने का मतलब होगा कि वहां पर राज्य और केंद्र दोनों का हस्तक्षेप होगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में जो हमारा पुलिस बल है इसको केंद्र सरकार के मतलब केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत इसको शामिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों वन नेशन वन पुलिस जो है अभी फिलहाल यह चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी इसको जो है कि ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में जब से ये सुवेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के एक नेता है पश्चिम बंगाल के, उनका जो बयान आया है तब से ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में जो है वन नेशन वन पुलिस जो है यह पास हो जाएगा बिल, इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इसको जो है कि पूरी तरीके से कानून लागू होने में आप जानते हैं कि इसमें कुछ वक्त लगता है, समय चाहिए। ऐसे में हमारा जो 35,757 की जो वैकेंसी है इस पे इसका किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान है कि सर क्या ऐसा होगा तो हमारी वैकेंसी डिले होगा, लेट होगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जो 35,757 की वैकेंसी है इसका संबंध वन नेशन वन पुलिस से फिलहाल में कुछ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।